सिंदूर वो शक्ति है जो विवाहित जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों में पत्नी को डगमगाने से बचाती है। उसके हर उठाए जाने वाले कदम को ना सिर्फ मजबूत करती है बल्कि पति के साथ सुरतान मिला के चलने का हौसला भी देती है। बेटा, जब भी इस बिबिया में से तू सिंदूर लगाया करेगी तब आशीर्वाद के रूप में मेरी ये कही बातें तुझे याद आया करेगी। हमेशा इस सिंदूर की शक्ति पर अपना भरोसा कायम रख। फिर देखना तुझे और अहम को जोड़ने वाली ये डोर कितनी मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब नानी जी को मेरे और एम जी के बारे में सब पता चल गया। माता पिता के द्वारा दिए गए कन्यादान के पार किसी भी लड़की का रिश्ता सबसे पहले उसके पति के साथ बनता है। अहम और गोपी के बीच में प्रेम के अभी तक बीच भी नहीं दिखाई देते। मैंने खुद एम जी को वचन दिया था कि रंजीत बहन की शादी के बाद मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, इसलिए आज मैं वचन पूरा कर रही हूँ। तेरी गृहस्थी की नींव को हिलते हुए मैं नहीं देख पा रही और तुझे इसलिए कहा कि तू भी पकड़ी पकड़ी ले खाकी गाड़ी चुप। और एक काम कर, इसे मेरे कमरे में भी रख दिया। राशि कुछ सोच, वरना वरना ये नानी की धड़कन का बदला चुका चुका के ना पूरी रात बीत जाएगी।